तो पहले मैं वैशाली जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ पेंगुइन इंडिया की लैंग्वेजेस हेड हैं अहिल्या जो पुस्तक आ रही है उसकी एक झलक वैशाली जी नरेंद्र कोहली जी आपको दिखाएंगे और उसके बाद उनसे चर्चा करेंगे वैसे आम तौर पर जो अभी होने वाला इसको पुस्तक विमोचन कहा जाता है लेकिन हम कह रहे हैं कि हम आपको इस किताब की पहली झलक आज दिखाएंगे कोहली जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी थोड़ा साथ दें और वैशाली जी आप भी थोड़ा सा जी धन्यवाद धन्यवाद वैशाली जी इस किताब को मैं थोड़ी देर हाथ में रखूँगा आपने ताकि लोगों को ये पता लगता रहे कि हम पहली चर्चा अहिल्या के बारे में कर रहे हैं कोहली जी स्वागत है आपका आज तक साहित्य आज तक के इस मंच पर सबसे पहले मैं माइक आपको दे देता हूँ धन्यवाद तो पहला सवाल तो यही पूछना चाहता हूँ अहिल्या ही क्यों इसी पात्र को क्यों चुना आपने ये प्रश्न तो आप किसी भी पुस्तक पर किसी भी नाम पे कह सकते हैं यही क्यों बिल्कुल तो देखना पड़ेगा कि भाई मैं कुंती के बारे में बात करूंगा तब उस पर भी पूछूंगा कि कुंती क्यों <laughs> द्रौपदी क्यों नहीं अब देखिए आपने स्वयं ये बतलाया कि सौ से अधिक पुस्तकें छप चुकी हैं साठ वर्ष से अधिक मुझे लिखते हुए हो गए हैं तो अब एक एक के बारे में बताएं यही क्यों बड़ा मुश्किल है चार किताबें लिखी होती तो बताता यही क्यों सौ में ज़रा ये मुश्किल होती है वैसे आपने पूछा है तो जवाब तो देना ही है oh. जवाब नहीं दूंगा तो ये होगा कि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है <laughs> देखिए ऐसा है कि वर्षों पुरानी बात है और आजकल फिर वही घटना दोबारा आज के अखबार में भी आ, बलात्कार के संबंध में जिन चार लोगों को फांसी होने जा रही है उनकी सूचना आज के अखबार में भी है तो ये कोई एक बार घटी हुई घटना नहीं है वर्षों पहले एक श्रीमती शर्मा थी जो बस में अकेली रह गई थी और उनके साथ आ, ड्राइवर और कंडक्टर ने अत्याचार करने का या उनका अपमान करने का प्रयत्न किया था अपने सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने चलती बस में से छलांग लगा दी थी और प्राण दे दिए थे उस समय मेरी उम्र आज की तुलना में काफ़ी कम थी और तब से मेरे मन में ये प्रश्न था कि स्त्री की रक्षा का दायित्व किसका है नंबर एक दूसरा ये कि अपने सम्मान को बचाने के लिए स्त्री के पास सिवाय प्राण देने के और कोई मार्ग नहीं है क्या और जिस समय रामकथा पढ़ी और उसमें अहल्या से परिचय हुआ तो समझ में आया बैठ जाओ भाई बैठ जाओ बाद में मत कहना कि डांट दिया तो तब मेरी समझ में आया कि ये जो प्रक्रिया है स्त्री के अपमान की और उससे बचने के उसके प्रयत्न की यानी हल्या को दूषित थी या नहीं थी मालूम नहीं दोषी थी या नहीं मालूम नहीं लेकिन समाज ने उसका त्याग किया जिस चीज़ ने मुझे आकृष्ट किया वो ये है कि तुलसी आप हिंदी प्रदेश के सब लोग जो हैं वो रामचरित मानस से आगे नहीं बढ़ते इसलिए उन्होंने देखा कि राम अवतार हैं आए हैं अहल्या के को चरण लगा के उसकी शिला को स्त्री में परिवर्तित किया लेकिन वाल्मीकि को पढ़िए तो उसमें वो शिला नहीं है शिलावत है और शिलावत है और वहाँ राम और लक्ष्मण जाकर के अहल्या के चरण छू रहे हैं दोनों में बहुत अंतर है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समाज ने अहल्या का परित्याग किया है उसे दोषी मान के जो उसके विरोध में खड़ा है उसके पास कोई नहीं है उसका बेटा जनक का राजगुरु है उसका पति एक गुरुकुल का कुलपति है लेकिन कोई नहीं आता इंद्र के भय से या किसके भय से मालूम नहीं और राम आते हैं और कहते हैं कि रामो उसमें सर्वम सै मैं राम हूँ और चरण को हाथ लगा के उसका आतिथ्य स्वीकार करके ये कहते हैं कि मैं सब कुछ सहन करूँगा समाज का विरोध है तो रहे समाज से भी लड़ूंगा मेरा ध्यान इस बात पे गया कि तुलसी हो वाल्मीकि हो दोनों में आए राम ही अहल्या नहीं गई उनके पास राम ही आए इस दृष्टि से इस प्रकार की जो घटनाएं हैं अब जो पहला प्रश्न मेरा था कि उनकी रक्षा का दायित्व किसका है रक्षा का दायित्व स्त्री का नहीं है पुरुष का नहीं है समाज का है अगर सारा समाज रक्षा नहीं करेगा तो किसी की भी रक्षा नहीं होती तो उस समय जिस मानसिकता में मैं था रामकथा लिख रहा था समय अहल्या से परिचय हो गया और अहल्या को जिस रूप में मैंने देखा वो आपके सामने रख दिया इसमें केवल राम ही नहीं है अहल्या का भी है कि वो स्वयं अपनी इच्छा से अपने पुत्र को और अपने पति को भेज देती है कि तुम लोग जाओ मुझे अकेली छोड़ते हो तो छोड़ दो कोई बात नहीं है लेकिन समाज से लड़ना जरूरी है कि उसको दोषी कैसे माना आपने अगर वो दूषित हुई भी तो क्या वो दोषी थी और अगर दोषी थी नहीं थी तो दोषी नहीं थी इन सारे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मैंने अहल्या को ये पूरा उपन्यास अहल्या पर ये छोटी पुस्तक है राम कथा के एक अंश के रूप में अहल्या आपके सामने आई पर मैं 137 पन्ने हैं इस किताब में आखिरी पेज पर आया हूँ अभी एक पुरुष होते हुए एक महिला के भावों को अभिव्यक्ति देना एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हुए एक महिला के भावों को अभिव्यक्ति देना एक पुरुष प्रधान ग्रंथ कही जाने वाली रामायण से उस उद्धरण को निकालते हुए उस महिला के भावों को अभिव्यक्ति देना यह कितना कठिन था लेखक के लिए कठिन नहीं है लेखक हम उसको कहते हैं शरीर से पुरुष और स्त्री होने का कोई मतलब नहीं पर काया प्रवेश लेखक वो है जो दूसरों के साथ तादात्म्य स्थापित करता है दूसरे के भावों को ठीक उसी रूप में उनका अनुभव करता है पर काया प्रवेश करता है उस काया में प्रवेश हो जाता है और वही हो जाता है इसलिए नहीं तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि बच्चे के भाव कैसे आए बड़े के कैसे आए स्त्री के कैसे आए पुरुष के कैसे आए देवता के कैसे आए राक्षस के कैसे आए लेखक का तो मतलब यह है कि उसका मन किसी में भी घुल सकता है किसी के जैसा भी हो सकता है जो मैंने कहा कि तादात में करता है केवल स्त्री होने से स्त्री के भाव आपकी समझ में आए तो सास बहू लड़ेंगी नहीं पुरुष होने के नाते कि मैं स्त्री को नहीं समझ सकूँ तो मैं और जाने दीजिए अपनी माँ अपनी बहन अपनी बेटी अपनी पत्नी अपनी प्रेमिका उन लोगों के भाव कैसे समझूंगा इसलिए मैं ये मानता हूँ कि लेखक तो है ही वही जो तादाद में करता है और दूसरा शब्द में जो हमारे साहित्य शास्त्र का है पर काया प्रवेश आप उस काया में प्रविष्ट हो जाते हैं और वही हो जाते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन हालांकि मैंने भी पुस्तक पढ़ी नहीं उसके बाद भी मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि आ, राम को आना पड़ा राम आपने लिखा अवतार नहीं थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो एक महापुरुष थे वो आए उन्होंने स्पर्श किया और उसके बाद अहिल्या को पुनः जीवन दान मिला लेकिन अहिल्या ने जो झेला अहिल्या ने जो सहा अहिल्या जो शिला का जीवन जीती रही इतने वर्षों तक जो तपस्या जिसका नाम दे दिया गया क्या वो अपने आप में एक पुरुष प्रधान समाज का उड़ाया हुआ आवरण नहीं है उसके ऊपर कि इन्होंने तपस्या की है पवित्र होने के लिए वापस जबकि असल में आपने उनके ऊपर वो थोपा है उनको समाज से काट दिया उनको बाहर कर दिया मैंने नहीं किया है तो मतलब जिन लोगों ने ने उसके पहले ये कथा कही। वाल्मीकि किया है, और जिस रूप में वो हम तक आई रूप में उनको लेकर के आगे अपनी बात कही है कि आज के समाज के लिए हमको कैसे देखना और समझना चाहिए क्योंकि इसमें एक बड़ा प्रश्न हो सकता आप भी पूछें या पूछते कि भाई ये तो युग इतने अलग हैं जैसे वो किसी और युग की कथा है मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रकृति के नियम नहीं बदलते मैं ये मानता हूँ कि मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलता ऊपर से रंग रूप रंग कितना रंग रोगन कितना बदल ले कथा शाश्वत ही रहेगी वो और उसके पात्रों की जो जो कुछ भी उनके साथ घटित हुआ है जो कमजोरियां उनमें हैं काम क्रोध लोभ मोह वो तब भी थी आज भी हैं राक्षस तब भी होते थे अगर आप ये समझते हैं कि राक्षसों के दांत होते हैं या सींग होते हैं तो गलत समझते हैं राक्षस बिल्कुल मनुष्य की तरह हमारे आपके जैसे हैं आज भी हैं अखबार के चार पन्ने शुरू के राक्षसों के होते हैं आप रोज़ सुबह पढ़ लीजिए आपके घर में हो सकते हैं आपके पड़ोस में हो सकते हैं आपके कार्यालय में हो सकते हैं कहीं भी हो सकते हैं राक्षस एक वृत्ति का नाम है इसलिए उस समय और आज के समय में कोई ऐसा अंतर नहीं है मैं ने मैं अखबार पढ़ता हूँ पता नहीं भगवान ने मेरी खोपड़ी ऐसी बनाई है अखबार पढ़ता हूँ तो मुझे पुराण याद आते हैं पुराण पढ़ता हूँ तो मुझे अखबार याद आते हैं इसलिए मेरे लिए उनमें कोई किसी तरह का अंतर नहीं है चार पेज में राक्षस तो मिल जाते हैं आपको राम मिलते हैं क्या आज के युग में भी हैं चार पेज में आपको अखबार के राक्षस तो मिल जाते हैं लेकिन आज के युग में राम मिलते हैं क्या राम को खोजना बड़ा मुश्किल है उस समय भी राम एक ही थे <laughs> राम को हम खोज रहे हैं और हर आदमी कहता है अपने भीतर के राम को खोजो अपने भीतर के राक्षस को खोजो ऐसा कोई नहीं कहता अपने भीतर के राम को खोजो तो राम का भी कुछ तत्व मानवता में है तभी अभी तक मानवता चल रही है राम ने रामत्व दिया इस समाज को तभी लोग राम को आज तक याद करते हैं राम सात्विक गुणों का नाम है और राक्षस तामसिक गुणों का नाम है अब किस में कितना है अनुपात ये उस पर निर्भर करता है उनके बीच में कहीं आप संतुलन स्थापित कर लें तो मनुष्य भी हो जाते हैं खोजते हम राम को भी हैं ऐसा नहीं है कि नहीं है और आपको मिलते भी हैं मैं आपको कहानियाँ नहीं सुनाऊंगा क्योंकि सुनाने लगा तो फिर बात बहक जाएगी मिलते भी हैं और उस रूप में जिसमें आप कहिए क्या अवतार कहें या कुछ असाधारण वैसा न सही पर रामत्व तो आपको मिलता है नहीं तो दुनिया चलती नहीं अहिल्या और कुंती आपकी इन दोनों पुस्तकों के साथ क्या मैं ये समझूं कि वर्तमान समय में आ, स्त्री विमर्श को लेकर एक नई खिड़की या नया दरवाज़ा खोल रहे हैं <laughs> मुझे जो लिखना था वो तो मैंने स्त्री पुरुष के रूप में नहीं लिखा ये तो प्रकाशकों की बुद्धि है प्रकाशक से कम मुझे ज्यादा लगता है आलोचकों की बुद्धि पर निर्भर करेगा नहीं नहीं कि वो आपको किस खांचे में फिट करना चाहते हैं या बांध देना चाहते हैं छापता तो प्रकाशक है वो कहता है कि मुझे ये सीरीज चाहिए ये इसीलिए मैंने कहा कि राम कथा जो 1800 सौ पृष्ठ का उपन्यास है उसमें से इसको निकाला गया उसी तरह से कुंती महासमर जो चार हजार पृष्ठों का है उसमें निकाला गया जब मैं उन प्रकाशकों से कहता हूँ कि भाई पाठक को के साथ तो ये धोखा है कि वो बड़ी किताब पढ़ चुका है और उसके बाद वो छोटी खरीद रहा है प्रकाशक को लगता है कि वो व्यापारी है उसका काम है वो करना वो कर रहा है लोग खरीद रहे हैं पढ़ रहे हैं आपको क्या तकलीफ है भाई तो मैं ये समझू स्त्री विमर्श ज्यादा बिक रहा है आजकल अब ये कितना बिक रहा है ये तो वही बतलाएगा बिक रहा है ये मैं जानता हूँ क्योंकि वो मुझे रॉयल्टी देता है अगर ना बिक रहा होता तो ना वो अगली किताब मांगता ना वो रॉयल्टी देता प्रमाण है हमारे पास स्त्री विमर्श का बिकना क्या इस बात की तरफ कोई संकेत करता है कि स्त्री विमर्श को लेकर समाज में संवेदना बढ़ रही है थोड़ी सी अरे जिसका आदमी केवल पढ़ने के लिए के लिए लिए ठीक है 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 टाइम पास करने किताब लेता लेता पढ़ नहीं, वो नहीं है और उसके बाद फिर बर्ताव उसका वैसे ही रहता है साहित्य को इस रूप में नहीं पढ़ा जाता लेके किताब पढ़ी रखती साहित्य जब तक आपके अंदर नहीं उतर जाता आपके जीवन को नहीं बदल देता जब तक वो आपको कुछ देख नहीं मैं कहता हूँ पाठक पुस्तक ही तब पढ़ेगा जब उसको तृप्ति होगी जब उसको कुछ उससे मिलेगा जिससे मिलेगा नहीं उसको उठा करके वो दस पेज पढ़ करके मैंने चंडीगढ़ के बस स्टॉप से किताब खरीदी और चंडीगढ़ से बाहर निकलने से पहले खिड़की से बाहर फेंक दी उसका मतलब यही है कि मुझे उस पुस्तक में से कुछ नहीं मिल रहा है जितने भी पाठक हैं जैसे भी हैं वो उसमें एक तो उपेंद्रनाथ ताज को मुझे याद आते हैं जो कहते हैं मेरे बड़े भाई बहुत पढ़ते थे लाइब्रेरी की लाइब्रेरी चाट जाते थे पर उनका मानसिक विकास रत्ती नहीं हुआ ये उन्होंने स्वयं अपने भाई के विषय में कहा है मैं ये मानता हूँ कि ठीक है कि पढ़ने एक तो वही होता है कि जो होता है कि पढ़ने वाले हैं चाट गए सारी किताब लेकिन उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया पाठक हम उसको नहीं कहते पाठक हम उसको कहते हैं जो पुस्तक को पढ़ता है मनन करता है विचार करता है मंथन करता है ग्रहण करता है और उसको अपने जीवन में कहीं अंगीकार करके आगे ले जाता है तो पाठक तो हर तरह का होता है लोग खरीद करके पुस्तक पढ़ते हैं और लोग पढ़ कर के पुस्तक खरीदते हैं दोनों तरह के पाठक आपको मिलेंगे कि ये पुस्तक मुझे अच्छी लगी मैंने पढ़ ली है लेकिन मुझे चाहिए मेरे घर में होनी चाहिए वो ख़रीद करके ले जाता है आप पुस्तक मेले में जाएं आपको प्रकाशक मेरे बहुत कहानियाँ सुनाएंगे कि सुबह स्टॉल खुलने से पहले एक आदमी आके खड़ा हो जाता है और किताब जैसे खुलती है वो किताब उठा लेता है और शाम तक एक पैर पर खड़ा हुआ उसको पढ़ता रहता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है खरीदने को लेकिन उसको किताब पढ़नी है दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको लगता है कि पैसा क्यों खर्च करें आप खरीदिए मैं भी पढूंगा। मेरे ऐसे मित्र भी रहे हैं और तीसरे वो हैं जो कहते हैं कि मैंने पढ़ ली है लेकिन मुझे किताब चाहिए मेरे घर में होनी चाहिए इसलिए खरीदूंगा तो पाठक तरह तरह के लोग हैं अहिल्या और कुंती ये दो पात्र इसके अलावा सौ से ज़्यादा किताबें आप लिख चुके हैं कौन से ऐसे पात्र हैं जो आप वर्तमान समय में समाज में ज़्यादा मौजूद पाते हैं जिनको आपको लगता है कि असल में ये है सामने ही है मेरे इसलिए मुझे मजबूरन इसको लेके आना पड़ा निकाल के कहीं किससे कहानी में से पुराने का अगर मैं व्यापक रूप में कहूँ तो जितने भी महत्वपूर्ण बहुत छोटे पात्र भी होते हैं साधारण जो कि चार पृष्ठ तक आए और अपनी बात कह के चले गए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जितने उदात्त पात्र हैं वो आज भी आपके काम के नहीं हैं आपके जीवन का अंग बनने योग्य हैं अगर आप मुझसे कहें कि महाभारत के नायक युधिष्ठिर हैं कि कृष्ण हैं तो मैं ये कहूँगा कि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर खंड में नया नायक आ जाता है अगर लड़ाई करनी है तो भीम आ जाएगा और वैसे धर्मराज युधिष्ठिर उसके नायक हैं पर कृष्ण जहाँ आ जाते हैं वो नायकों के नायक हैं वहाँ युधिष्ठिर भी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं उसी तरह से अगर आप रामकथा को लेते हैं तो राम के सामने मैं कहूं कि मैं कोई दूसरा पात्र खड़ा कर दूंगा वैसा नहीं है लेकिन महत्व सारे पात्रों का है जैसे नाटक आप करते हैं तो एक ढाकिया आके आपको एक पात्र देता है और चला जाता है काम उसका भी है और नायक का भी है उसी तरह से उपन्यासों में है छोटे और बड़े पात्र हर तरह के पात्र हैं आप किस दृष्टि से क्या किसको महत्वपूर्ण मानते हैं उस दृष्टि से वो पात्र आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है मैं जिस समय लिख रहा हूं जिस पात्र के विषय में लिख रहा हूं मैं उस समय उसी में डूबा हूं वही पात्र मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है लेकिन जब मैं उसे निकल आता हूं तो दूसरे पात्र में चला जाता हूं इसलिए यह कहना बड़ा मुश्किल है अब ये तो बड़े बड़े नाम हैं जो मैं कह रहा हूँ युधिष्ठिर हैं कृष्ण हैं राम हैं या और इस तरह के जो भी नाम आप लेना चाहें ले सकते हैं वो सब महत्वपूर्ण हैं और स्त्रियों में मुझे लगता है कि महाभारत में मुझे जिसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया लोगों को द्रौपदी बहुत प्रभावित करती है मुझे कुंती ने प्रभावित किया कुंती ने जितना कष्ट सहा उतना और किसी स्त्री यानी जन्म होते ही बाप ने अपने बुआ के बेटे को दे दिया वहाँ ऋषि महोदय आ गए वो छोटी सी थी तो उसकी शादी हो गई पति नपुंसक मिला पांच पांच पुत्रों को पाला सात जो थी उसने कहा कि मैं माधुरी ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों से वो प्यार नहीं कर सकती इसलिए मैं चितारोहण करूँगी तुम इन बच्चों को पालो मैं जानती हूँ कि तुम फर्क नहीं करोगी ये जब पुत्र उसके वनवास के लिए गए हैं तो हस्तिनापुर में रही अपने शत्रु के घर में दुर्योधन के घर में उसको याद दिलाने के लिए कि तुमने मेरे बेटों के साथ ये किया है मैं चली गई तो तुम भूल जाओगे और अंत में जब उसके बेटों को राज्य मिल गया सम्राट बन गए युधिष्ठिर उस समय उस राज्य का भोग करने की जगह वो अपनी जेठ जेठानी के साथ वन में चली जाती है जलने के लिए उनकी सेवा करने के लिए तो ये तो मैं मोटे तौर पर बता रहा हूँ और अगर आप सूक्ष्मता से जाएं तो देखें तो कुंती ने कष्ट ही कष्ट सहा है और ने उतन उतनी जिसको हम कहें कि क्या कहूँ शब्द आप उसको अटपटाना माने तो इतना पुरुषार्थ इतना पुरुषत्व शायद युधिष्ठिर में भी नहीं था जिसको वो बार बार कहती है कि शत्रुओं को प्रसन्न करने वाला पुत्र मत बन जा युद्ध कर ताकि तेरी मां प्रसन्न हो सके ऐसी दूसरा दूसरा चरित्र नहीं है दोनों किरदार जो है वो अलग अलग युग के किरदार हैं ठीक है अहिल्या अलग समय की हैं और कुंती अलग समय की हैं उसके बावजूद आप दोनों में समानता हैं तलाशते तलाशते कि नहीं तलाशते हैं? या दोनों को आपने मौका दिया अपने अपने तरीके से अलग अलग निखरने का आपने स्वयं ही कहा कि जिस तरह से अहल्या को छोड़ दिया गया अकेली वन में अकेली जो पत्थर हो गई जैसे हम कहते पत्थर आ गई अकेली रह गई लेकिन उसने सहन किया कि रहूंगी यहाँ किसी से भीख मांगने नहीं जाऊंगी, किसी के घर नहीं जाऊंगी, किसी नगर में नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी और प्रतीक्षा करूंगी और उस प्रतीक्षा का प्रतिफल है राम का आना उसी तरह से कुंती है कि जन्म से लेकर के अंत तक कि जहाँ जो कठिन काम है जिसमें कष्ट है वो मुझे चाहिए जहाँ सुख है आराम है भोग है वो मुझे नहीं चाहिए इसलिए दोनों का जो जीवट है जो चरित्र का बल होता है वो मैं दोनों की तुलना क्या करूं? मुझे दोनों में वो दिखाई देता है लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके का साहित्य बिक रहा है मुझे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं आप बेहतर जानते हैं उसको उसमें आपको लगता है कि ये जो आप लिख रहे हैं जिसमें आप महिला विमर्श के साथ साथ लोग इतिहास नहीं मानते लेकिन मैं मानता हूँ महाभारत से रामायण से, से जो आप निकाल के ला रहे हैं वो उनके सामने मुकाबले में खड़ा होता है अलग क्या? लीग। आज का बहुत सारे लेखक हैं अंग्रेजी में भी लिख रहे हैं कहानियां लिख रहे हैं देखिए रही है ठीक है मैं यदि ये कहूं तो आप इसे मेरा अहंकार नहीं मानिएगा हिंदी में मुझसे पहले इन महाकाव्यों को उपन्यास के रूप में नहीं लिखा गया बिल्कुल नहीं लिखा गया राइट right? उसके बाद अचानक अंग्रेजी वालों को लगा कि अब हम भी लिखें और वो लिख रहे हैं और वो हमसे बहुत ज्यादा बिक रहे हैं और हमसे बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं लेकिन एक पुस्तक पढ़ने लायक नहीं मुझे वो लेखक मैं नाम नहीं ले रहा मेरे चरण छूते हैं मेरा सम्मान करते हैं मुझे कहते हैं कि मेरे दादा ने आपको पढ़ा मेरे पिता ने आपको पढ़ा मैंने बचपन से आपको पढ़ा आपसे सीखा ये पुस्तक लीजिए पढ़ के बताइए मैं यूँ पुस्तक लेके किसी को भी दे देता हूँ कहता हूँ लौटाना मत नहीं चाहिए मुझे ये पुस्तक अरे पहले ही इतना भ्रम है कि उनका विश्लेषण करके आदमी का दिमाग खराब हो जाता है आप और गलत सलत बातें सारा भूगोल पलट दिया सारा इतिहास बदल दिया सारा जिसको कहते सारे चरित्रों का सर्वनाश कर दिया सीता को बचपन में ही हनु भैया मिल जाते हैं और वो उनके साथ चल पड़ती हैं मतलब इस तरह की इतनी बातें हैं कि मुझे लगता है कि वो भारत के उस पढ़े लिखे अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी पढ़े लिखे वर्ग को जिसने कभी हिंदी या कोई भारतीय भाषा नहीं पढ़ी उसको मूर्ख बना रहे हैं इसीलिए आपने सहमति दे दी कि ठीक है आपके लिखे को अंग्रेजी में लाया जाए बहुत अंतर है ताकि लोग गलत दिशा में ना जाए बहुत अंतर है हम कोशिश करते हैं कि उस परंपरा को ले के चलें उसको और ज्यादा निखारें अत... मेरे ये उपन्यास कोई मुझे पूछे कि कैसे लिखे मेरे मन में उठे प्रश्नों का उत्तर खोजते खोजते इतने बड़े बड़े उपन्यास 1800 सौ पृष्ठ है रामकथा के और 4000 हजार पृष्ठ हैं महासमर के ये प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते कि ये, ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ उनके उत्तर खोजते हुए ये उपन्यास लिखे गए और वो लोग हैं कि जो न प्रश्न सोचते हैं न उत्तर सोचते हैं जो मन में आता है उल्टा सीधा लिख रहे हैं और चूंके अंग्रेजी पढ़ी मैं आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ मोयली Uh, क्या नाम है उनका पूरा जो उत्तर uh, कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री भी थे और बाद में दिल्ली यहाँ केंद्रीय uh, विधि मंत्री थे मोयली वीरप्पा मोयली की बात वीरप्पा मोइली वो भी कवि हैं जब वो मंत्री थे ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि कोई मंत्री रहते हुए मेरे घर आया हो बहुत ज़्यादा हुआ तो फोन पे बात हो गई और राजनीति में मैं ज़्यादा घुसता नहीं उनके पीए का फोन आया कि मिनिस्टर वांट्स टू कॉल ऑन यू मैं हैरान कि व्हाई डज ही वांट टू कॉल ऑन मी ही हैजन कॉल्ड मी ही विल लाइक टू कॉल ऑन मी दो दिन बीत गए शुक्रवार शनिवार नहीं आए तो मैंने सोचा कैसी गप मार दी छोड़ दिया इंतज़ार छोड़ दी मैंने उसके बाद फिर उनके पीए का फ़ोन आया कि ही लाइक टू कॉल ऑन यू ऑन ट्यूजडे तो मैंने उसको कहा फर्स्ट यू टॉक टू यूर मिनिस्टर फिक्स इट अप एंड देन टॉक टू मी डोंट टॉक टू मी लाइक दिस तो जब वो मेरे घर आए तो उन्होंने पहला वाक्य ये कहा माई पी एस एज ही इज़ वेरी टफ मैन मैंने कहा डेड आई सी एनी थिंग रॉन्ग बोलो नो इट वॉज आवर मिस्टेक फ्रॉम आवर साइड दैट वी डिंट इन्फॉर्म यू एंड आई हैड टू गो टू बेंगलुरु तब मुझे समझ में आया कि अब आगे की बात क्या है क्यों आए हैं रामकथा का जो कन्नड़ अनुवाद हुआ है उसके संपादक वो हैं इसका जो विमोचन हुआ उसकी एक तरह से कहिए कि अध्यक्ष वो रहे इसकी भूमिका उन्होंने लिखी इसलिए उन्होंने मेरा वो पढ़ाव हुआ था उन्होंने कहा कि मुझे इसमें से कुछ चीज़ें इतनी अच्छी लगी हैं कि यू आर लाइक माई गुरु और उन्होंने अपनी अंग्रेजी अनुवाद में ये लिखा कि वेन आई वॉज राइटिंग आई वॉज सिटिंग ऑन देयर शोल्डर्स एंड ही इज रिशी इज कम टू ब्लेस मी मतलब इस रूप में खुल करके के उन्होंने बात लिखी और मेरे इसके कितने ही प्रसंग उन्होंने वैसे के वैसे ले लिए उसमें अब जिस दिन अंग्रेजी की पुस्तक का विमोचन था उस दिन हम लोग मैं और मेरी पत्नी हम गए हुए थे और वहाँ ज़्यादा जो श्रोता थे दर्शक थे वो तो अंग्रेजी वाले थे तो जो लोग बोल रहे थे वो जब उन अंशों पर आते थे जिन पर बहुत तालियां बजती थी तो मैं अपनी पत्नी की तरफ देखता था वो मेरी तरफ़ देखती थी कि वो मेरा लिखा हुआ है मैंने हिंदी में लिखा है उन लोगों ने पढ़ा नहीं है उन्होंने अंग्रेज़ी में सुना उनको लगा वाह क्या बात है और खूब तालियां बज रही हैं तो हम मुस्कुरा के चले आए मुझे बाद में मैसूर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर प्रोफेसर तिप्पे स्वामी ने फ़ोन किया कि उन्होंने आपकी बहुत नकल की है आपको केस करना चाहिए उन पर मैंने कहा इसमें केस की क्या बात है तो साहित्य है परंपरा से चलता है अगर आपको आपत्ति लगती है तो आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं एक रिसर्च का कोई प्रोजेक्ट रख लीजिए टिप्पे स्वामी नरेंद्र कोहली और मोइली की रामकथा अपने आप साफ़ हो जाएगा कितना मेरा है कितना उनका है ये किस्सा सुनाने के पीछे बात सिर्फ इतनी है कि लोग जो लेते भी हैं वो मानते नहीं हैं वो आदमी ईमानदारी से मंच से स्वीकार कर रहा था और उसने जहाँ भूमिका में सरस्वती को प्रणाम किया है वहाँ नरेंद्र कोहली को भी किया है तो मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी की इस बात से कि टेन मिलियंस इन प्रिंट से डरने की बात नहीं है उसको करोड़ों रुपया मिला हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सबका अपना अपना जीवन है अपना अपना हिस्सा है और अपनी अपनी आकांक्षा है मैं वैसी चीज़ लिख के करोड़ों रुपए कमाना नहीं चाहता मुझे नहीं चाहिए लेकिन ऋषि जानता है कि वो इंद्र को श्राप नहीं दे सकता इसलिए वो अहिल्या को श्राप दे देता ये श्राप वाली भी जो चीज है ना मैंने तो श्राप और वरदान माने नहीं, नहीं मेरी किसी पुस्तक में ना आपको श्राप मिलेगा ना वरदान मिलेगा इसलिए केवल है कि त्याग के चले जाना वो आसान है बजाय इसके के आज एक ऋषि जो है बुद्धिजीवी है अध्यापक है यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है इंटेलेक्चुअल hmm. है कोई भी आप कुछ भी कह लें उसको वो राजनीतिज्ञों से और वो भी उस राजा से देवराज से जिसके पास सेना भी है धन है संपत्ति है राज्य है उसे युद्ध नहीं कर सकता अपनी इस कमजोरी को वो समझता है और आपसी समझौता पुस्तक आप पढ़ेंगे तो पति पत्नी में जो आपसी समझौता है उसके कारण वो उसको छोड़ जाता है और उसकी इच्छा से छोड़ के जाता है जब राम कहते हैं कि मैं गौतम को सौंप कर जाऊंगा तो गौतम मना नहीं करता ना अहल्या मना करती है इसका मतलब वो भी तैयार है वो भी तैयार है सिर्फ बीच में समाज अड़ा हुआ है और समाज उन रूढ़िवादियों का है जो सचमुच सत्य क्या है उसको नहीं खोजते केवल रूढ़ियों पर चलते हैं हमारे यहाँ दो शब्द हैं एक है परंपरा एक है रूढ़ी परंपराओं के अनुसार हमको चलना है उनको आगे बढ़ाना है उनमें सफाई करनी है रूढ़ी को तोड़ देना है नष्ट करना है इस बात को यदि आप समझ जाएं तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा होता है उससे क्या होता है भगवान ने ये जो सात्विक बुद्धि यदि आपको दी है विवेक दिया है तो आप उन रूढ़ियों को तोड़ेंगे और परंपराओं को आगे ले जाएंगे कुछ लोगों ने कुंती की विवेचना रूढ़ियों को तोड़ने वाली महिला के तौर पे भी की है आपको लगता है ऐसा तो सारी रूढ़िया तोड़ी कुंती ने बचपन से लेकर के आगे तक जो रूढ़िया उसके मार्ग में आई बाधा के रूप में सब तोड़ी और जो निर्णय लिया अपनी इच्छा से लिया ना अपने बेटे की बात मानी ना किसी और की जबकि धर्मराज तो बेटा था लेकिन कुंती कहती है कि नहीं तुम जाओ धर्मराज लड़ना भीम ने एक जगह कहा है महाभारत में कि धर्मराज को तो धर, युद्ध राज्य चाहिए ही नहीं उनको तो धर्म चाहिए अर्जुन भी उन्हीं के अनुसार है और बाकी तो दोनों भाई छोटे हैं एक मैं हूँ जिसमें रजोगुण इतना है कि मैं कहता हूँ कि युद्ध हो लड़ाई हो राज्य हो हम शासन करें हम अपने शत्रुओं को मारें अकेला वो है और कुंती जो कृष्ण के माध्यम से जब कृष्ण आते हैं शांति दूत बनकर के हस्तनापुर और लौट रहे हैं बुआ से मिल के जा रहे हैं कि जाके धर्मराज को क्या कहूँ तो कुंती उनको एक कहानी भी सुनाती है और कहती है जा करके उससे कहना कि तेरी माँ आज तक ये प्रतीक्षा कर रही है कि तू कब शत्रुओं से लड़ेगा और अपना राज्य प्राप्त करेगा शत्रुओं को प्रसन्न करने वाला पुत्र मत बन अब वो दिन आ गया है जिसके लिए क्षत्राणी पुत्र को जन्म देती है इससे ज्यादा और प्रबल मतलब कहने को तो ज़्यादा तो लोगों ने वो मशहूर कर रखा है कि द्रौपदी अपने बाल खोल करके कहती है कि बाल तब बांधूंगी महाभारत में ये सब नहीं है बाल खुले अवश्य हैं पर ना तो वो दुशासन के रक्त से धोए गए हैं और ना वो ये कहती है कि इनको तब बांधूंगी वो तो केवल जब कृष्ण जा रहे हैं शांति के लिए शांति का संदेश लेके तब केवल उनके सामने आती है और उसके बाल खुले हैं और वो कहती हैं कि सखा मेरा क्या होगा तो कृष्ण कहते हैं कि सखी युद्ध होगा पापियों को उनका उनके पाप का दंड दिया जाएगा ये आश्वासन दे के तब उसके बाद शांतिदूत की भूमिका में वो जाते हैं इस रूप में जो मुझे लगता है कि जो ये ज़्यादा इस तरह की किंवदंतियाँ हमारे यहाँ लोक कथाएँ किंवदंतियाँ और इस तरह की बातें बहुत सारी हैं जो उन पात्रों के साथ जोड़ दी गई हैं जो उनके योग्य नहीं हैं मैं इसको थोड़ा सा आज के समय से जोड़ते हुए क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं हाँ ठीक कुंती की एक झलक भी हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को अहिल्या को जब मैं देखता हूँ आपके शब्दों में गढ़ी गई मुझे लगता है कि वो आज की कोई भी सामान्य मध्य वर्ग के परिवार की एक महिला है जिस पर जब समस्याएं पड़ती हैं उस तरीके की जैसी अहिल्या पर पड़ी हैं तो भुगतना उसी को पड़ता है सजा उसी को झेलनी पड़ती है और तभी वो महान बनती है जब वो सजा झेलने को तैयार हो जाती है वरना नहीं बनती और कुंती अलीट क्लास की महिला है जिसके रूढ़ियां तोड़ने को भी स्वच्छंदता नहीं माना जाता अहिल्या के क्लास की कोई महिला यानी कि मध्य वर्ग की कोई महिला अगर रूढ़ियों को तोड़ने की कोशिश करती है तो उसको स्वच्छंद मान लिया जाता है आप अगर महासमर का आरंभिक खंड जो रिटर्न है उसको पढ़ें तो उसमें ये बात बड़ी साफ हो जाती है कि उन लोगों के अभिभावक हैं भीष्म भीष्म के विषय में कुंती कहती कि वो आकाश हैं वो हमको ताप से या आग से अब जल से बचा नहीं सकते वो छत नहीं है वो आकाश हैं बहुत ऊँचे हैं इसलिए हमको जो कुछ करना है अपने बल पर ही करना है जिस समय भीम को दुर्योधन विष खिला करके सरपों के उसमें डाल देता है और ये रो रही है विदुर को कहती है कि विदुर देखो मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हैं ये तो विदुर का कहना है कि भाभी चुप यदि तुमने ये शिकायत की तो तुम्हारे बाकी बेटे भी मारे जाएंगे कुंती कहती है ठीक है तो फिर हम उसी हिसाब से चलेंगे लाक्षाग्रह में भी वो जाती है उनके साथ उन लोगों को मालूम है कि उनके साथ क्या होगा विदुर बता चुके हैं जो द्यूत का है वो भी विदुर बता चुके हैं सब कुछ उनको मालूम है लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है हम इसका सामना करेंगे अगर धृतराष्ट्र जिसको युधिष्ठिर पिता मानते हैं जैसे राम दशरथ को मानते हैं क्योंकि उस समय सारे महाभारत में तौ चाचा नहीं है ताऊ चाचा नाम का शब्द नहीं है ताई चाची नहीं है पिता है और माँ है तो उनके धृतराष्ट्र उनके पिता हैं गांधारी उसकी माँ है विदुर पिता हैं पारंसवी माँ है और कुंती और माद्री तो हैं तो उस रूप में वो लोग आ, आ, किसी से ये शिकायत करने नहीं जाते कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है हम जैसे ये प्रश्न बार बार आया इन्होंने पूछा नहीं शायद पूछ लें कि युधिष्ठिर जुआड़ी तो नहीं थे तो जुआ खेलने क्यों बैठ गए वो बार बार कहते हैं पूरा एक अध्याय शकुनी के साथ विरोध का है कि जुआ क्षत्रियों को नहीं खेलना चाहिए विदुर बार बार कहते हैं कि बेटा मत खेलो लेकिन वहाँ राजा और पिता है धृतराष्ट्र द्यूत आरंभ हुआ है राजा की आज्ञा से द्यूत बंद होगा राजा की आज्ञा से उसके बीच में कुछ नहीं हो सकता तो उन चीज़ों को जब हम खोदने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है क्यों है तो हम तब हम तो एक एक तरफ कहते हैं हो जाओ या तो धर्मराज मान लो या जुआड़ी मान लो सारे महाभारत में उन्होंने फिर जुआ नहीं खेला और जुआ खेलने के पहले जितना विरोध महाभारत में है आप पढ़िए उसको आप पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि कितना विरोध है फिर भी वो खेलने बैठ गए क्योंकि वो कहते हैं यदि कहा जाएगा और कहा जाना किसका है पिता की आज्ञा है धृतराष्ट्र की आज्ञा है और धृतराष्ट्र विदुर बार बार हाथ उठा के कहते हैं कि महाराज बंद कीजिए लेकिन धृतराष्ट्र तो प्रसन्न है कि पांडव हार रहे हैं सब कुछ मेरे बेटों को मिल जाएगा इसलिए वो मना नहीं करता है केवल डरता है तो द्रौपदी से डरता है क्योंकि द्रौपदी कृष्ण की सखी है जब द्रौपदी कहती है कि मैं पांडु की पुत्रवधु हूं तो दुशासन को भी कोई असर नहीं होता मैं की बहन हूं मैं द्रुपद की पुत्री हूं मैं पांच पांडवों की पत्नी हूं किसी को कोई असर नहीं पड़ता पर जैसे वो कहती है कि मैं कृष्ण की सखी हूं दुशासन को चक्कर आ जाता है और वो गिर पड़ता है क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही शिशुपाल का सिर कट के गिरते हुए देखा है कृष्ण के सुदर्शन चक्र से तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जब आपके मन में प्रश्न उठे तो ये सोच करके कह देना कि अरे बकवास है ये तो हमारे पुराणों में नो मेरा छोटा बेटा इंजीनियर है कंप्यूटर इंजीनियर है सी में है उससे मेरी बात हो रही थी तो मैंने उसको कहा कि भाई पुराणों में गर्भ धारण करती है द्रौपदी और उसका प्रसव करती है दूसरी रानी इसको जो योग माया है उसने कहते हैं कि इधर से उधर कर दिया तो उसका कहना था योग माया डॉक्टर है उसने गर्भ को यहाँ से निकाला वहाँ से ट्रांसप्लांट किया मैंने कहा लोग कहते हैं आपके पास क्या प्रमाण है कि उस समय सर्जरी थी तो कहता हूँ उनके पास क्या प्रमाण है कि सर्जरी नहीं थी शिखंडिनी को शिखंडी बनाया महाभारत आप पढ़िए किस तरह से उस को किन किन तरह से उनमें मालिश हुई क्या डाइट हुई क्या सर्जरी हुई क्या उपवास रखवाया गया क्या क्या विस्तार से सब कुछ है लेकिन दिक्कत यह है पढ़े तो हमने तो पढ़ा ही नहीं पढ़े बिना मान लिए कि हम जैसा बुद्धिमान कौन है सब मूर्खता की बातें चलिए आपने कुछ चीज़ें सरल की हैं और मुझे उम्मीद है जितनी सरल भाषा में आपने समझाए कुछ हिस्से आपने सुनाए उससे लोगों के मन में इस बात को लेके जगेगा उत्साह कि उन किताबों को लिया जाए पढ़ा जाए और अहल्या उपलब्ध है यहाँ स्टॉल पर आप ले सकते हैं और साथ ही एक झलक आपको हम कुंती की भी दिखा देते हैं मैं एक बार किताब ले लेता हूँ अंतिम बात कह देता हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने ये कहा अलवर में अपने शिष्यों से कि हिंदुओं ने अपना इतिहास कभी नहीं लिखा जो इतिहास लिखा गया वो विदेशियों के माध्यम से लिखा गया और वो इसलिए नहीं लिखा गया कि आपका सम्मान ज़्यादा बढ़े वो इसलिए लिखा गया कि आपको निकृष्ट सिद्ध किया जाए इसलिए आवश्यकता है कि आप अपना इतिहास स्वयं लिखें स्वयं रचें अपने मूल ग्रंथों को अपने महान ग्रंथों को उसके मूल रूप में पढ़ें अपने महान चरित्रों को उनके मूल रूप में देखने का प्रयत्न करें तब आप समझ सकेंगे कि आप कहते हैं हमने भारत देख लिया दिल्ली बम्बई भारत नहीं है भारत की एक लंबी परंपरा है उसको समझे बिना आप इस देश को नहीं जान सकते महात्मा गांधी कितनी रेल में चक्कर लगा लें उससे कुछ नहीं होने जा रहा धन्यवाद नमस्कार मैं अदिति माहेश्वरी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ मंच पर आएं और एक और जो पुस्तक आ रही है नरेंद्र कोहली जी की कुंती उसकी भी एक झलक आप सभी को यहाँ मंच से वो दिखाएं इस पुस्तक का विमोचन आदिति जी और नरेंद्र कोहली जी आगे आ जाए प्लीज़ धन्यवाद नरेंद्र कोहली जी आज साहित्य आज तक के मंच पर आने के लिए और दर्शकों के साथ सीधा संवाद करने के लिए धन्यवाद